ये है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। नंबर 8, ईयर मोल्ड इम्प्रेशन। अब इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह कान साफ करने की कोई नई तकनीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो लिक्विड इन लोगों के कानों में डाला जा रहा है ये कुछ और ही है। दरअसल ये लिक्विड उन लोगों के कानों में डाला जाता है जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है। इस लिक्विड को डालकर उनके कान का शेप ले लिया जाता है, फिर उसी हिसाब से उनके लिए हियरिंग मशीन बनाई जाती है। हालांकि इस लिक्विड को कान में डालने से पहले अच्छे से जांच होती है और फिर कोटन को लगाकर इसे डाला जाता है। नंबर 7, लावा कलेक्शन। ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियां में से एक है। दरअसल जब कहीं पर भी लावा फटता है तो फिर उसके तुरंत बाद वैज्ञानिक वहां पर जाते हैं और लावा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद इस लावा को चेक किया जाता है और लैब में वैज्ञानिकों द्वारा इसकी बारीकी से टेस्टिंग की जाती है, जिससे पता लगाया जा सके कि ज्वालामुखी कैसे फटा और फिर उसे अगली बार फटने से रोका जा सके। लेकिन लावा को कलेक्ट करने में जान का भी खतरा रहता है, क्योंकि इस लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री से ज्यादा होता है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन बीच वर्म। इस वीडियो को देखिए जिसमें यह कीड़ा छोटा सा दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही यह बंदा इसे खींचता है तो ये इतना बड़ा कीड़ा निकल आता है। दरअसल इसे ऑस्ट्रेलियन बीच वर्म कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बीच पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। और आप अगर कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो इस कीड़े से सावधान रहे। हालांकि इंसानों के लिए यह इतना ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी खतरा क्यों ही मोल लेना। नंबर 5, आइस ब्रेकर शिप। ये है दुनिया का सबसे ताकतवर बर्फ तोड़ने वाला जहाज आर्टिका, जिसको रूस ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया है। यह जहाज बर्फ की 10 फीट मोटी परत भी आसानी से तोड़ सकता है, और वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि यह बर्फ को तोड़ते हुए कैसे चल रहा है, जो देखकर मजा ही आ जाता है। नंबर 4, फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये जो देख रहे हो ये वेल्डिंग करने का सबसे गजब तरीका है। एक्चुअली जो नॉर्मल वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग करने के लिए एक्सटर्नल फायर की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्सटर्नल फायर की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स को फील्ड करना होता है उनको पास में सटाया जाता है, फिर एक ऑब्जेक्ट को काफी तेजी से रोटेट करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट में कंप्रेशन के साथ सटाकर रखना होता है, जिससे क्या होता है कि रोटेशन के चलते इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन जनरेट होता है और वेल्डिंग हो जाती है। नंबर 3, इवैक्यूएशन स्लाइड। इमरजेंसी के टाइम पर प्लेन से निकलने वाले इस इवैक्यूएशन स्लाइड को अगर आपने गलती से डिप्लॉय कर दिया तो 25 लाख का नुकसान हो जाएगा। दरअसल सभी प्लेन्स में यह मौजूद होता है ताकि इमरजेंसी के टाइम पर इसे जल्दी से डिप्लॉय कर दिया जाए और सारे पैसेंजर्स जल्दी से बाहर निकल जाएं। और यह स्लाइड डोर के पास ही होता है, जिसको बस एक बटन या लिवर प्रेस करके डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इतनी ड्यूरेबल होती है कि 900 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी सह सकती है, और अगर जहाज पानी में लैंड हुआ तो यह लाइफ सेविंग बोट का भी काम करती है। लेकिन इसे एक बार खोलने के बाद फिर से लगाने में 25 लाख का खर्चा आता है। नंबर 2, मेहताओ लाइट हाउस। नॉर्वे के पास मौजूद स्टोलमैन नाम के आइलैंड पर एक ऐसा घर है जिसे धरती का सबसे अकेला घर माना जा रहा है। यहाँ पर पहुंचने के लिए सिर्फ 2 फेरी है जो 4 मील की बोट ट्रिप के बाद वहां पहुंचती है। इस जगह को पर्यटकों के लिए भी कई महीनों तक बंद रखा जाता है, क्योंकि यह एक संरक्षित बर्ड रिजर्व है। यहाँ मौजूद लाइट हाउस पर 20 साल से किसी ने कदम तक नहीं रखा। पहले तो इसे ढाया जाना था, लेकिन बाद में इमारत को पहले बेचने के लिए मार्केट में रखा गया,